बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नतमस्तक करते हुए आप सभी को जय भीम नमो बुधाय। खासकर यहाँ की धौलटी समिति को वे जितने भी यहाँ बाबा साहब के सभी अनुयायी हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, देखियो मनुवादियों ने अपनी वन व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी और एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो बहनों अपना इतिहास तुम ना पढ़ सको, जो पढ़ती हो तो बहुत अच्छा हो और नहीं पढ़ती हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और जानिए अपना इतिहास। इतिहास हमारे बाबा साहब का ऐसा है जैसे कि
इतिहास की पढ़ाई और एजुकेशन जितनी भी एजुकेशन कर सके, चाहे आप क्या आप लोग अपनी एक टाइम की सब्जी ना बनाए लेकिन अपने बच्चों की फीस में पढ़ाई में को कभी ना छोड़िए, क्योंकि मैं तो बाबा साहब को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने सारी ही हिंदू धर्म के सारे 33 करोड़ के देव देवता इन्होंने बता रखे हैं, ये कहीं भी कुछ नहीं है और जितना तुम इन्हें मानोगे इतने इसमें पाप होंगे जो है भरने का है। तो ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भाग्य और भगवान को नहीं पूजा, ना ही ने अपना परमात्मा पर निर्भर थे और इन्होंने इतने क्रांतिकारी आंदोलन आंदोलन किए हैं कि आप जो है उन्हें पढ़ेंगे तो जानोगे। क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने ऐसे ऐसे चलाए हैं कि जैसे महात्मा गांधी कि इन हिंदुवादियों ने जातिवाद ऐसा फैला रखा था कि जैसे एक अमर बेल होती है, एक पेड़ पर एक अमर बेल होती है और वो अमर बेल की ना कोई जड़ें होती है ना ही कोई फुलकन होती है और सारे में फैल जाती है और जहां तक भी वो पहुंचती है। ऐसे ही तुम हिंदू धर्म मानोगे जब तक तुम ऐसे लूटते फिरते रहोगे और तुम्हें पढ़ाई से भी वंचित कर दिया जाएगा, कहेंगे कि क्या करेंगे बच्चे पढ़कर। लेकिन ये इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए और तथागत गौतम बुद्ध को अपना 9वां या 10वां अवतार बताने के बाद में भी इन्होंने अपने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कहते हैं इन्होंने मंदिरों को मंदिर नाम की तो इस भारत के अंदर कोई चीज नहीं थी, इन्होंने हमारे बोध विहार तोड़े, महान समाज के जमाने से लेकर उनके पोते विरत मौर्य की भरे दरबार में उनके सचिव ब्राह्मण जाति का पुष्प संघ मित्र था, उसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और इन्होंने मंदिरों का निर्माण करना सारी मूर्ति तोड़ दी, सारे भोग विहार तोड़ दिए और उसने जो है ये देवी गणेश शिव जी सारे बैठवा दिए। और जब वो मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें मेरे समाज का एक मजदूर जाकर के उसकी देनदारी करता है, उसे चिंता है और उसमें जब मेरे जैसी बहन उसे जाकर पूछती है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, तो कैसा ना करके आप जो है अपने बच्चों को अच्छा